আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যে এক অস্থির পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে রয়েছে, যার প্রমাণ বিগত পাঁচ বছরে যেভাবে নির্বাচন হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে। বিরোধীরা অভিযোগ করছেন সেটা নির্বাচন নয়, নির্বাচনের নামে এক প্রহসন মাত্র। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে নির্বাচন দপ্তরের পক্ষ থেকে কিরণ গিত্তে বলেন, দপ্তর পুরো নির্বাচনের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রেখে চলেছে, অতিরিক্ত পুলিশ এবং নিরাপত্তা রক্ষী মজুদ রয়েছে রাজ্যে, যে কোনো প্রকার ভায়োলেন্স শক্ত হাতে দপ্তর মোকাবেলা করবে। পাশাপাশি উনি বলেন, এবার নির্বাচনে ভোটের শতকরা হার আগের তুলনায় অনেক বাড়বে। ত্রিপুরাকে মানুষ পর্যটন ক্ষেত্র একটি শান্তিপ্রিয় রাজ্য হিসেবে মানুষ জানুক, ভায়োলেন্স কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না বলে তিনি জানিয়েছেন। एसपी गुमती को डीएम गुमती को इस बारे में पता चला, उन्होंने इस पर कार्रवाई की है और हमने ये कार्रवाई के बारे में प्रेस रिलीज भी कर दी है। कोई भी घटना, ऐसी घटना हम लोग चाहते हैं कि ना घटे, लेकिन कोई घटना ऐसी घटेगी हम उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करेंगे और ऐसी कार्रवाई करेंगे कि ऐसी घटना फिर से ना हो। तो इसके लिए हम सब कटिबद्ध है और मुझे पूरी उम्मीद है कि त्रिपुरावासी ऐसी कोई घटनाएँ नहीं करेंगे जिससे कि हमारे त्रिपुरा का नाम पूरे देश में वायलेंस के लिए जाना जाए। हम चाहते हैं कि त्रिपुरा का नाम अच्छे कल्चर के लिए, नेचुरल ब्यूटी के लिए, एक टूरिस्ट स्पॉट के लिए और एक बहुत ही शांतिपूर्ण राज्य, ये नाम पूरे देश में जाए। ये मेरा सभी त्रिपुरावासियों को अपील है कि चुनाव में अगर हिंसा होगी तो हमारे राज्य का नाम खराब होगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी टूरिस्ट, कोई भी बाहर के लोग त्रिपुरा में आना नहीं चाहेंगे, उन्हें आशंका रहे कि यहाँ तो वायलेंस होता है। तो मेरा ये त्रिपुरा के भविष्य के लिए भी आह्वान है कि ऐसी कोई भी हिंसात्मक घटना में कोई भी भाग ना ले। धन्यवाद सर। सर, लोगों का जो कॉन्फिडेंस डाउन हुआ है नेक्स्ट इलेक्शन में तो देखा गया, उसको और भी आगे लेने के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं? सब तरीके की कोशिश की जा रही है, ऐसा कोई भी कदम लेने से हम पीछे नहीं हटेंगे कि जो हमें शांतिपूर्ण के लिए चाहिए और जितना फोर्स चाहिए लगेगा उतना फोर्स देने की कमिटमेंट इलेक्शन कमीशन ने की है और उत्साह बढ़ा है लोगों में। देखिए, अगर उत्साह नहीं होता तो आज 12 बजे तक 1.5 लाख लोग इसमें, इस मुहिम में, इस आह्वान में शामिल ना होते। तो बहुत बड़े बड़े भी प्रोग्राम हो रहे हैं जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं कि पिछले की तुलना में अभी घटनाएं कम हो रही है और घटनाएं हम लोग जीरो करना चाहते हैं। धन्यवाद सर। आपका जो दूसरा एक टारगेट है कि 9-9, वो कितना सक्सेस होगा? अगर इस तरह का वायलेंस होता है तो लोगों को, आप जो बोल रहे हैं कि वोट और भी बढ़े, जो पहले था रिकॉर्ड वो भी तोड़े, तो इसके लिए और क्या क्या स्टेप लेना लगता है आपको? हमने बहुत बड़ी मात्रा में 929 पोलिंग स्टेशन है जिसमें पिछले चुनाव में वोट कम हुआ था, हम उसमें घर घर गए हैं, परिवार तक गए, वोटर तक गए हैं, सबको आह्वान किया है, युवाओं को आह्वान किया है, स्कूल कॉलेजों में, मैं खुद सेकेंडरी स्कूल में गया था, हमने चुनाव पाठशाला की है, इलेक्ट्रॉनिक लिटरेसी क्लब किए हैं। तो ऐसे लगातार कार्यक्रम जारी रखेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि वोट शांतिपूर्ण भी होगा और वोट का जो परसेंटेज है ये भी हम रिकॉर्ड तोड़ देंगे। धन्यवाद। थैंक यू।